हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एंड आज गाइस है हम लोग यहाँ पे अबलासा लिकानिया में। मेरी आज पहली क्लास है फोर्थ ईयर में और बहुत ही एक्साइटेड हूँ फर्स्ट क्लास है फोर्थ ईयर की। और ये सारे इधर मेरे बैचमेट्स हैं, सब लोग अभी जा रहे हैं क्लास में। तो यहाँ पे यार जब ऑफलाइन क्लास होती है तो इतना मज़ा आता है, सारे बैचमेट्स से मिलो और टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। गाइस हम लोग आए हैं अबलासा लिकानिया, जो कि हमारे यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन की क्लास लगने वाली है। और पीछे मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पूरा डिपार्टमेंट है यहाँ का। ये यहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इवानो फ्रांसिस, हम लोग का जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इवानो फ्रांसिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है या फिर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ का है वो ये है अबलासा लिकानिया का। और अभी पीछे देखो ये सर्जरी, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, सर्जरी की क्लासेस लगती हैं, रेडियोलॉजी की क्लासेस लगती हैं, न्यूरोलॉजी की भी क्लासेस वगैरह लगती हैं। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्लास में नहीं जा सकते, सबसे पहले हम लोग को चेंज करना होता है चेंजिंग रूम में, वहाँ पे जाओ चेंज करो और स्क्रब्स भी चेंज करना होता है सर्जरी की क्लास होती है। तो उसके बाद फिर चेंजिंग शूज़ लाने होते हैं, तो चेंजिंग शूज़ अभी हम लोग जा रहे हैं चेंज करेंगे। तो गाइज ये हमारा पूरा बैच है, अभी सब लोग नहीं आए, बहुत से लोग इंडिया में हैं। तो बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं इवानो फ्रांसिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो मैं बता दूँ आपको कि ये हॉस्पिटल में हमारी क्लास लग रही है और ये यहाँ का हॉस्पिटल है, सर्जरी हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चेंजिंग रूम में, सामने हमारा है ये है बेसमेंट में चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम से निकलने का सबसे बड़ा काम ये है कि कौन से क्लासरूम में हमको जाना है वो ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो क्लासेस ढूंढना मुश्किल होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कौन से रूम में हमारी क्लासेस लगेंगी आज। तो क्लासेस का टाइमिंग ये है कि आज हमारी थर्ड और फोर्थ पैरा में क्लासेस होंगी जो कि 3.5 आवर्स की होंगी। तो अभी 12 बजे से 3:30 यानी कि 12 से 3:30 तक की क्लासेस चलेंगी, बीच में हाफ एन आवर का गैप भी होगा। एक सारी यार ये बड़ी क्यूट सी मैम है और ये माइनस ग्रुप वालों की टीचर है, अपनी कौन सी मालूम नहीं। मैम हम भी आ जाएं क्या? वी आर टू यार, ये इतनी क्यूट सी मैम है और हम लोग की क्लास कोई और लेगी खड़ू सी मैम। चलो अपनी वाली भी अच्छी दिख रही है यार, आ जाओ चलो। हमको एक फ्लोर और ऊपर जाना है और अभी हम लोग आ गए फोर्थ फ्लोर पे। तो ये है इंटरनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट। बनाने के लिए और अभी नोट्स बनाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद टीचर आके हम लोग से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, उसके बाद फिर हमारा टेस्ट होगा। और जैसे कि यहाँ पे होता है रेगुलर टेस्ट होता है, उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं और वो टोटल एक मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जो कि पर डे के हिसाब से होना चाहिए। और वो टोटल मार्क्स सेमेस्टर के एंड में पूरा कैलकुलेट होता है, टोटल होता है, और वो अगर मिनिमम से कम होता है तो हमें मॉड्यूल नहीं देने जाया जाता है। आज का टॉपिक है वो है हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, तो इसके बारे में पूरा सारी जो डिटेल्स में लेनी पढ़नी सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे अभी, उसके बाद टीचर से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, टीचर भी कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हमसे करेंगे। Normal topographical location of the bottom of gallbladder, which are closest here, and now we ask the patient to deeply inspire. Yes. और एट गाइज, सो अभी हमारी क्लास खत्म हो गई, ये पीछे हॉस्पिटल है यहाँ का और यहाँ पे हमारी इंटरनल मेडिसिन की क्लास हुई है। सो हमारी इंटरनल मेडिसिन जो है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे जो क्लिनिकल पार्ट होता है वो फोर्थ ईयर से स्टार्ट होता है, और जो प्री क्लिनिकल यानी कि बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, सो बेसिक्स जो होते हैं प्री क्लिनिकल पार्ट वो थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है हमें। तो अभी हमारा क्लिनिकल शुरू हो गया इंटरनल मेडिसिन का। और जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ हमेशा, कि जब यहाँ पे भी टीचर ने भी यही बोला कि पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूक्रेनियन लैंग्वेज आना,
तो टीचर भी हम लोग को यही ऑप्शन दे रहे थे कि आप लोगों को मैं बच्चों पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए लेज पे जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे ट्रांसलेटर की तरह काम नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा कुछ बहुत कुछ आप सीख सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है यहाँ पे। और ये है लिखता इधर सबसे बदमाश है मेरी बैच की बंदी। सो अभी सब लोग चले गए, हम लोग भी क्लास से बस लास्ट में निकले, थोड़ी हमारी क्लास जो हुई वो लेट छूटी। ऑलराइट गाइस, सो कैसे लगी आपको वीडियो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना, सब कुछ कर देना गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम।